हम तो उनकी तारीफ करेंगे जिन्होंने इनको बनाया। बहुत अच्छे गाते हैं भैया आप। और आज हम आप सभी दर्शकों की भी तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि आज भले ही इतनी मात्रा में दर्शक मौजूद नहीं है, मगर जितने भी हैं वो सभी दर्दी हैं। इसलिए आप सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ज़िंदगी पर नाज करता है, कभी कभी अपनी शोहरत पर नाज करता है, मगर जिन कलाकारों को मिलते हैं आप जैसे दर्शक, वो तो अपनी किस्मत पर नाज करता है। और आप सभी दर्शक कलाकारों को मिले हैं, इसलिए आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में कुछ क्लासिकल नगमा भी हम आप सभी के सामने पेश करना चाहते हैं। और अगर जब कभी शास्त्रीय संगीत की बारी आती है, तब शास्त्रीय संगीत से बहुत पुराना नाता है हमारी हिंदुस्तान की स्वर कोयल का, जिनका नाम थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने पुकारा था, भारत की स्वर कोयल, स्वर सम्राज्ञी लता जी का, जिनका नाम पुकारने के बाद बहुत सारे नगमे सुनने का दिल करता है। मगर एक बात आप सभी को बता दूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने लता जी की आवाज़ को अपने गीतों में कुछ इस तरह ढाला, लगता था कि ये गाना इनके अलावा अगर और किसी सिंगर की आवाज़ में रिकॉर्ड होता तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। हर गाने की पहचान बन गई लता जी। ठीक इसी तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर एस टी बर्मन साहब ने अपनी एक गीत में लता जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। गाना शास्त्रीय संगीत पर आधारित है और इसी गाने की एक लाजवाब पेशकश आप सभी के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं हमारे फनकारा श्रीला जी। और यही गाना अपने थिरकने के जरिए पेश करने के लिए तैयार है हमारी अदाकारा स्वरा कुलकर्णी, इनका भी स्वागत कीजिएगा जोरदार तरीके से। तो से रहना लगे रे, ना ना लगे रे जाने
कोणाचा तरी वन्स मोर असा आवाज आला होता, ज्यांनी कोणी दिला होता याची मी माफी मागू इच्छितो, कारण आपल्याला वन्स मोर घेता येणं शक्य नाही. कारण बरीचशी गाणी आहेत जी गाणी आपण सगळ्यांसमोर सादर व्हावीत असा आमचा मानस आहे, तर आपण वन्स मोरच्या जागी वन मोर घेतलं तर चालणार आहे का? बरं, धन्यवाद, खूपच समजूतदार आहात तुम्ही माझ्या अपेक्षेपेक्षाही. तर मंडळी, मराठी सिनेमासृष्टीमध्ये बऱ्याच मराठी कलाकारांचा आवाज आजता गायत आपण सगळ्यांनी ऐकला असेल, पण गेल्या काही वर्षांपासून ट्रेंड आलेला आहे मराठी गाणी हिंदी सिनेमासृष्टीतल्या किंवा अमराठी गायकांकडून गाऊन घेण्याचे. आणि ज्यामध्ये असे एक गायक कलाकार आहेत ज्यांनी संगीताचं शिक्षण श्रीनिवास खळेसारख्या आपल्या मराठी संगीतकाराकडून घेतलेलं आहे, आणि हिंदी सिनेमासृष्टीपेक्षाही जास्त मराठी सिनेमासृष्टीमध्ये जे बिझी आहेत ते म्हणजेच शंकर महादेवन यांच्या आवाजाचा उपयोग करून आणि प्रीती कामत या गायिकेच्या आवाजाचा उपयोग करून एक गाणं खूपच छान बनलेलं आहे. आज पावसाळा नसला तरी देखील पावसाची चाहूल आपण सगळ्यांना या गाण्याच्या माध्यमातून व्हावी यासाठी आपण सगळ्यांना आपल्या सुरांनी चिंब भिजवण्यासाठी येतात आमचे दोन्ही गायक कलाकार शार्दूल आणि स्नेहल. Yeah.